नोएडा में एक पढ़ी लिखी महिला गार्ड को गालियां दे रही है और पीट रही है। दूसरी तस्वीर नोएडा की ही एक पंचायत की है जो जमा हुई है एक गालीबाज के हक में। त्यागी समाज अपने एक शख्स श्रीकांत त्यागी को न्याय दिलाने की दलील दे रहा है। त्यागी समाज के सैकड़ों लोग गालीबाज नेता के हक में जुटे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा की ही, ये दोनों खबरें। नोएडा की गालीबाज महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भद्दी भद्दी गालियां सिक्योरिटी गार्ड को देती हुई नजर आ रही है ये महिला। तो दूसरी तरफ नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत चल रही है। और अब बात कर लेते हैं गालीबाज मैडम के। नोएडा में अब एक गालीबाज महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ये महिला गार्ड को सिर्फ इसलिए भद्दी गालियां देती दिख रही है क्योंकि गार्ड ने गेट खोलने में जरा सी देर कर दी। महिला गार्ड की पिटाई भी करती है। वीडियो सेक्टर थाना 126 की जेपी सोसाइटी का है। पुलिस ने केस इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया है। महिला नशे की हालत में लग रही है। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि पड़े हो गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लग के सारे के सारे सब बोलेगा मेरे को। मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, आओ चुप रहे आप, इसको बोल रहे चुप रहे। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि पड़े हो गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लग के सारे के सारे सब बोलेगा मेरे को। मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, आओ चुप रहे आप, इसको बोल रहे चुप रहे। एक सभ्य समाज में ऐसी भाषा का प्रयोग करना बेहद शर्मनाक। ये महिला सिक्योरिटी गार्ड से सिर्फ इसलिए इस तरह से गाली गलौज कर रही हैं क्योंकि गेट खुलने में थोड़ी सी देर इस गार्ड ने कर दी। इस पूरे मामले में स्वाति मालेवाल ने ट्वीट किया है, ये महिला सरेआम इस गार्ड से इतनी गुंडागर्दी और गाली गलौज कर रही है, ये किस तरह का घटियापन है। इस महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। स्वाति मालेवाल का ये ट्वीट। इस पूरे मामले को लेकर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की भाषा का प्रयोग एक महिला कर रही है।